हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। और यहाँ देखिए मॉर्निंग रूटीन शुरू हो गया है, बच्चे चले गए हैं स्कूल और मेरा नहाना धोना तो हो गया था, लेकिन मुझे करनी थी चेंज बेडशीट, तो इसको अच्छे से करके मुझे बिस्तर वगैरह सब ऐसे ही पड़ा हुआ था तो मैं उसको ठीक कर रही हूँ। और सोच रही थी चादर को अच्छे से झाड़ कर इसी को दोबारा से बिछा दूँ, और इसको मैं झाड़ लेती हूँ और इसी को बिछा दूँगी, क्योंकि अभी साफ़ सुथरी थी चादर और जो है सर्दियों में तो जो है चल जाती है, 8 से हफ्ते भर आराम से चल जाती है एक बेडशीट, और सर्दियों का टाइम है तो इतना भी मतलब जल्दी जल्दी नहीं धोनी चाहिए, क्योंकि कपड़े सूखने में भी दिक्कत करते हैं फिर। और वैसे मैं ड्रायर में सुखा लेती हूँ तो एक दिन में आराम से सूख जाते हैं कपड़े, और अगर ना ड्रायर में ना सुखाएं तो कम से कम 2 या 3 दिन ले लेते हैं कपड़े सूखने में, क्योंकि सर्दियों का टाइम है, धूप भी मतलब थोड़ी देर के लिए ही आती है छत पर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के लिए और फिर चली जाती है, क्योंकि बिल्डिंग की वजह से जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं उनकी वजह से धूप जल्दी चली जाती है, तो बस इसीलिए इसको नहीं धो रही। और अभी साफ़ सुथरी है तो इसको ऐसे ही बिछा रही हूँ, और हल्का फुल्का जो कूड़ा हो जाता है छोटा छोटा उसे मतलब वो ऐसे ही झाड़ने से नहीं क्लीन होता, और बेडशीट को हटाकर ही झाड़ना पड़ता है, तब जाकर क्लीन लगती है बेडशीट और तभी साफ़ सुथरा लगता है बिस्तर, और उसके बाद ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर कर लेती हूँ मैं अपना सारा रूटीन, और झाड़ू पोछा मैंने सुबह मॉर्निंग में ही कर लिया था, और खाना भी मेरा बन गया है, और आज मैं बनाऊंगी गाजर और मूली का अचार मिक्स वाला, और सर्दियों में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वो खाने में, तो सोच रही हूँ काट काट तो मैंने कल ही सुखा दिए थे, और आज और थोड़ी सी धूप लगा लेती हूँ 2 घंटे के लिए, और उसके बाद मैं अचार डालूँगी थोड़ा सा, और ऐसी सर्दियों में ही खाई जाती हैं, गर्मियों में तो ऐसी चीज़ चलती नहीं है। और गाजर मूली का अचार है जो मोटे वाली मिर्च हैं वो सब सर्दियों में ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ खाना तो मेरा बन गया था, और निपटा लेती हूँ घर का और सारा छोटा मोटा जो भी काम बचा है वो कर लेती हूँ, और छत पर जाने हैं मुझे कपड़े सुखाने हैं, तो कपड़े तो मैंने ऊपर रखे आई हूँ, और किसी बच्चे ने शायद वो डाल भी दिए हैं, तो देखती हूँ मैं जाकर अभी डालें या नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, काम तो सारा निबट चुका था, और मैं जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए छत पर, क्योंकि थोड़ी ठंड सी लग रही थी और दिल्ली में ठंड जो है बढ़ गई है, और यहाँ धूप तो अच्छी निकल रही है लेकिन ठंड बढ़ गई है थोड़ी सी, और कपड़े कुछ नीचे टंग रहे हैं, जो मैंने जो डार्क कलर का सूट है वो मैंने वो नीचे ही टांग दिया है, सुखा दिया है नीचे ही, और जो बाकी कपड़े थे गर्म वगैरह और वैसे वो मैंने छत पर सुखा डाल दिए हैं। और यहाँ देखिए खूब अच्छी खासी धूप निकल रही है बहुत अच्छे से, और मैं 5-10 मिनट यहाँ पर पैर सेकूँगी थोड़ी देर, और पैर बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे थे मेरे, और थोड़ी देर तक बैठूँगी मैं, उसके बाद मैं चली जाऊँगी क्योंकि बच्चों को लेने के लिए स्कूल जाना है मुझे। और यहाँ देखिए धूप बहुत अच्छी निकल रही है, और देखिए यहाँ बिल्डिंग अभी तक तैयार नहीं हुई है ये, और अभी काम चल रहा है इनमें, अभी कुछ दिन टाइम लगेगा अभी। तो ये देखिए सूरज मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ये देखिए बहुत अच्छी धूप निकल रही थी,
और यहाँ मैंने कपड़े डाल दिए हैं सारे, मतलब हाथ से ही धोए थे मैंने सारे कपड़े। और मैं देख रही थी कौन सा कपड़ा गीला है कौन सा सूख गया है, लेकिन अभी सारे ही हल्के हल्के सील रहे थे तो मैंने इनको सूखने दिया था। मैंने कहा अभी धूप भी अच्छी निकल रही है तो इनको ऐसे ही पड़ा रहने दें हैं। और नीचे जाकर मुझे करना है थोड़ा सा काम। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने ले ली है धूप लगा कर मैं ले आई थी मूली और गाजर को, तो यहाँ पर मैं इनको अचार डाल देती हूँ। और अचार के लिए मैंने ले लिया था सौंफ और राई, और उसमें मिक्स कर ली, उनको पीस लिया था और उनमें मसाले मिक्स करके तवे पर ये मैंने रोस्ट कर लिए थे तवे पर, जो सील रहे थे हल्के हल्के मसाले, तो मैंने इनको पीस लिया है और डब्बे में इनको डाल देती हूँ। तो यहाँ देखिए मसालों को मैंने पीस लिया है और ये डब्बा ले लिया है, और इसमें मैं डाल दूँगी ये मूली और गाजर का अचार, और इसी में डाल दूँगी मैं मसाले और थोड़ा सा ऑयल। और इसी तरह से डालती हूँ मैं सादा सिंपल अचार, कोई भी अगड़म झगड़म नहीं करती हूँ। और सादा सिंपल जितना अचार होता है उतना ज़्यादा अच्छा लगता है और टेस्टी भी लगता है। तो यहाँ पर बस मैंने मसाले को नीचे ही रख लिया था, वहीं रख कर मैंने पीस लिया था इनको, और कर लेती हूँ मैं सारा इनका तैयारी। मसाले भी मैंने एक फॉइल में करके रख लिए थे जो भी मुझसे डालने थे। तो ये जो मसाले हैं जो मैंने पीस कर रखे हैं इनको भी इसी में ऐड कर दूँगी। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है फ्रेंड्स गाजर मूली का अचार डालना। तो मेरा सर्दियों में जब भी मन करता है मैं डाल लेती हूँ इस तरह से। बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, बच्चों को मैं ले आई थोड़ी देर पहले, तो सोचा पहले मैं खाना बाद में खाऊंगी, पहले मैं अचार डाल देती हूँ, उसके बाद में आलकस आता है तो बस मैंने अचार डाल दिया है। तो वीडियो छोटा सा ही था। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो में, बाय।